हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्रिसमस स्पेशल में आज मैं आपके लिए एक अमेजिंग डेजर्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी को शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं, इसको जरूर बनाइए। ये बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह बनता है। इसके लिए हमें चाहिए स्वीट पोटैटो। ये रेसिपी आज मैं बनाने के लिए एक रीजन था, वो ये है कि इसका नाम स्वीट पोटैटो, लेकिन ये बिल्कुल स्वीट नहीं था। तो क्या करें, इसे तो फेंक नहीं सकते हैं। तब मैंने सोचा इससे कुछ बना के देख लेते हैं। फिर स्वीट पोटैटो को इस तरह काट लेना है। फिर इन्हें बॉईल करने के लिए कुकर में एक कप पानी डाल देना है। फिर कटे हुए स्वीट पोटैटो को डाल देना है। अब ढक्कन बंद करके एक दो सीटी लगा लेना है। फिर गैस ऑफ कर लेना है। पूरी तरह से स्टीम जाने के बाद ढक्कन खोल के देख लेना है। ये अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब इन्हें स्ट्रेन कर लेते हैं। गरम रहते ही इस तरह अच्छी तरह से स्मैश कर लेना है। नेक्स्ट इसमें ऐड कर लेना है शुगर पाउडर एंड राइस पाउडर। ये दो चीजों के लिए कुछ भी नाप लेने की जरूरत नहीं है। अपने स्वीट के हिसाब से और बाइंडिंग कंसिस्टेंसी के हिसाब से राइस पाउडर ऐड कर लेना है। फिर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर टेस्ट करके चेक कर लेना है। मीठा कम हो तो ऐड कर सकते हैं। आटा का कंसिस्टेंसी इस तरह होना है। जब गोला बनाएंगे तो बनना चाहिए, नहीं तो और थोड़ा सा आटा ऐड कर सकते हैं। अपने साइज के हिसाब से छोटा बड़ा इस तरह बना लेना है। इस तरह थोड़ा सा मोटा रख लेना है। फिर इस तरह सारे बना के तैयार कर लेना है। अब इन्हें फ्राई करने के लिए इस तरह फ्लैट कढ़ाई लेना है। फिर उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के गरम कर लेना है। ऑयल अच्छी तरह से गरम होने के बाद गैस का फ्लेम लो में रख लेना है। फिर इन्हें डाल देना है। डालने के बाद गैस का फ्लेम लो टू मीडियम में एडजस्ट करके फ्राई कर लेना है। नीचे से फ्राई होने के बाद इस तरह बहुत ही ध्यान से पलट लेना है। इस तरह दो स्पैचुला यूज कर लेना है, नहीं तो टूट सकता है। इसी तरह नीचे की तरफ से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं धीरे धीरे पकना बंद हो चुका है। इसका मतलब ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब सारे पलट के देख लेते हैं। जब नहीं होगा तो और थोड़ी देर के लिए रख लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब तो ये बन गया हमारा स्वीट पोटैटो मिनी केक। दोनों तरफ से अच्छी तरह से पकने के बाद गैस ऑफ कर लेना है और गरम गरम सर्व कर लेना है। ये बाहर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट एंड टेस्टी बना है। इस रेसिपी को जरूर एक बार तो ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और एक न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।